अगर आपके पास समय कम है और आप जल्दी से कोई नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस कुकिंग चैनल में। तो आज हम एक ऐसा नाश्ता देखने वाले हैं जो कि जितना जल्दी तैयार हो जाता है उतना ही खाने में टेस्टी और मज़ेदार है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब करें और साथ में दे गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल पोहा लिया है। तो सबसे पहले हम इस पोहा को पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और फिर इसको वॉश करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। उसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इस पोहा को लगभग 2 से 3 मिनट तक पानी में भिगो कर रखेंगे ताकि ये जो पोहा है वो सॉफ्ट हो जाए। पोहा को हम इसीलिए सॉफ्ट करेंगे ताकि मैश करते समय पोहा आसानी से मैश हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट बाद अब हमारा पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और हमने इसमें से सारा पानी स्ट्रेन भी कर लिया है कि जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पोहा कितना सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि अब ये आसानी से मैश हो पा रहा है। तब हमें इस पोहा को अच्छे से मैश कर लेना है। इसको हमें तब तक मैश करना है जब तक कि ये अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। और आप इसको हाथों में रखकर ऐसे दबाओगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाने चाहिए। तो अब यहाँ पर मैंने पोहा को अच्छे से मैश कर लिया है। पोहा को अच्छे से मैश करने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 उबले हुए आलू। और इन आलूओं को मैंने पहले से ही मैश करके हुए रखा था। आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आलू के बड़े बड़े टुकड़े ना रहे। अभी हम इस आलू और पोहा को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो आलू और पोहा को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है उसमें जिंजर यानी कि अदरक ऐड करने की। तो अदरक को यहाँ पर मैंने चॉप करके लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 चॉप्ड की हुई ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च। अगर ये रेसिपी आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च का मात्रा कम ही रखें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 छोटी चम्मच क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर और उसी के साथ 1/2 चम्मच चाट मसाला। आप यहाँ पर चाट मसाला के जगह आमचूर पाउडर या फिर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर डालना है 1 बड़ी चम्मच नमक या फिर आप अपने स्वादानुसार भी नमक इसमें डाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जो आलू और पोहा होता है वो थोड़े से फीके होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही करें। चलिए अब हमने सारी चीज़ों को तो इसमें डाल दिया है, तो अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स और मैश करके लेंगे। तो लीजिए अब यहाँ पर हमारा स्टफिंग बनके तो रेडी है। तो अब हम इस स्टफिंग में से मीडियम साइज़ के बॉल बना लेंगे। तो आपको यहाँ पे हाथों पर तेल वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉल्स आसानी से बन जाएंगे। लेकिन बॉल्स बनाते वक्त यह ध्यान रखना कि बॉल्स मीडियम साइज़ के बनाएँ। अगर आप बड़े साइज़ वाले बॉल्स बनाएंगे तो वो फ्राई करते वक्त ज़्यादा समय लेंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने बाकी सारी बॉल्स को भी बनाकर रेडी कर लिया है। तब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करके लेंगे। यहाँ पर बॉल्स को फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि हमारी गैस की फ्लेम लो मीडियम पर हो। अगर आप जल्दी में या फिर हाई फ्लेम पर बॉल्स को फ्राई करने जाएंगे तो बॉल्स ऊपर से तो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से वैसे ही कच्चे रह जाएंगे।
तो ऑयल को पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब हमें लगे कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तब हम इसमें एक एक करके सारे बॉल्स फ्राई करके लेंगे। लेकिन बॉल्स को फ्राई करते समय जितने अपनी पैन की कैपेसिटी है उतनी ही बॉल्स फ्राई करना। अगर आप ज़्यादा बॉल्स फ्राई करने जाएंगे तो वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बॉल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करते रहना है। ऐसी ही इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब हमारे बॉल्स क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बॉल्स को कितना बढ़िया कलर आए हैं और वो दिखने में भी कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अभी हम बस इसी तरीके से हमारे सारे बॉल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेंगे। और गोल्डन ब्राउन होने पर हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप चाहे तो इन बॉल्स को ऐसे भी टोमेटो केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं इन बॉल्स को थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए इस रेसिपी में सॉस बना कर लूँगा। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सेम पैन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हमने बॉल्स को फ्राई करके लिया था। तो पैन में सबसे पहले जाएगा ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ जिंजर और गार्लिक, यानी कि अदरक और लहसुन। जिंजर गार्लिक को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब बारी आती है स्लाइस्ड ओनियन की। तो प्याज को भी हम हल्का सा फ्राई करके लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकलने तक ही इसको हम फ्राई करके लेंगे। तो अब बारी आती है सॉस ऐड करने की। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। उसी के साथ अभी हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। और सबसे आखिर में 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने अभी तक इसमें सॉल्ट यानी कि नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारे सॉस में पहले से ही नमक होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा सॉस रेडी होने के बाद अब इसमें जाएगी हमारी फ्राई की हुई बॉल्स। तो अभी हम सॉस में बॉल्स को अच्छी तरीके से मिक्स करके लेंगे। जब तक कि हमारे बॉल्स को सॉस की पूरी तरीके से कोटिंग नहीं हो जाती है तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉल्स सॉस में अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। अभी हम इनको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस रेसिपी का नाम पोहा मंचूरियन बॉल्स रखा है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस रेसिपी का नाम क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमारे गर्मा गर्म बॉल्स तो रेडी हैं। तो अब है आपकी बारी। आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नई वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।